हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग और कैसी चल रही है आपकी प्रिपरेशन। तो अब हम लोग जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, दैट चैप्टर इज कॉल्ड पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 2013। वैसे PFRDA को गवर्नमेंट ने 2003 में ही बना दिया था, लेकिन तब उसका नाम होता था इंटरिम PFRDA। ये बात शायद आपको नहीं पता थी, तो अगर आपको नहीं पता थी तो ये बात मैंने आपको बता दी कि गवर्नमेंट ने इसकी शुरुआत 2003 में ही कर दी थी, और उसके बाद गवर्नमेंट ने फिर एक जिसको प्रॉपर एक्ट बनाया वो बनाया इन द ईयर 2013, यानी कि 2013 में। तो आइए एक्ट को स्टार्ट करते हैं। नाउ सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ये जो PFRDA एक्ट हम लोग अभी कर रहे हैं, ये एक्ट गवर्नमेंट ने जब बनाया तो इसकी एप्लीकेबिलिटी क्या है। सो एप्लीकेबिलिटी के बारे में बात कर लूं, सो दिस एक्ट इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया। पूरे इंडिया में ये एक्ट एप्लीकेबल होता है। और जब मैंने बोला होल ऑफ इंडिया, दैट मीन्स इंक्लूडिंग दी यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। हाँ, इंक्लूडिंग द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर नहीं बोलेंगे, इंक्लूडिंग दी यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बोलेंगे, ठीक है। नाउ तो पहली बात, ये एक्ट है पूरे इंडिया में एप्लीकेबल होता है। एक्ट का पर्पस क्या है, क्यों बनाया गया था, ये सारी बातें आपको बताऊंगा, प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी दूंगा। मेरा क्या लिंक है PFRDA से, मैं किस तरीके से PFRDA का बेनिफिट लेता हूं, मैं आपको भी बताऊंगा ताकि आप समझ सको कि रियल में ये एक्ट किस तरीके से काम करता है और क्या ऑब्जेक्टिव है इस अथॉरिटी के। सो इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया। दूसरी बात कि एक्ट पास कब हुआ था, तो मैं बताता हूं आपको, ये जो एक्ट है, दिस एक्ट वॉज पास्ड ऑन, ये एक्ट बेसिकली पास्ड हुआ था ऑन 19th September 2013 को, ठीक है। अगर हैंडराइटिंग मेरी थोड़ी सी खराब आ रही है तो मैं उसके लिए आपसे माफी चाहूंगा, आई होप यू विल अंडरस्टैंड। एक्ट पास हुआ 19th September 2013 को, और इसके साथ साथ ये देखो नोटिफाई कब हुआ, नोटिफाई कब हुआ। पास होना अलग चीज़ होती है, नोटिफिकेशन तब मिलता है जब उसको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का अप्रूवल मिल जाए। सो अप्रूवल मिल गया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से, ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से, और उसके बाद ये एप्लीकेबल हो गया कौन सी डेट से, फ्रॉम 1st of Feb 2014, ठीक है। इतनी बात क्लियर है, समझ में आया। नाउ दो बातें हमने आपको बता दी हैं, अब तीसरी बात जो अभी हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर, थर्ड जो पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करना है, दैट पॉइंट इज कि ये जो PFRDA है, ठीक है, ये जो पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है, इसका काम क्या है, अब इसका रोल क्या है, तो इसके रोल के बारे में बात करता हूं। सबसे पहले जो PFRDA है ना, ये रेगुलेट करती है किसको, इट रेगुलेट्स NPS। अब क्या मुझे आपको ये बताने की जरूरत है कि NPS क्या होता है, नेशनल पेंशन स्कीम NPS को बोलते हैं, नेशनल पेंशन स्कीम जो है वो NPS को बोलते हैं। और अगर आपने NPS को समझ लिया तो फिर आपके लिए PFRDA को समझना बिल्कुल आसान हो जाएगा, बिल्कुल इजी हो जाएगा आपके लिए बाकी चीजों को समझना। अगर आपने ये समझ लिया दैट व्हाट इज NPS, NPS स्टैंड्स फॉर नेशनल पेंशन स्कीम, ठीक है। और NPS के बारे में आपने पहले कहां पढ़ा है, आप पहले इसके बारे में पढ़ चुके हो, जान चुके हो, अगर क्योंकि आपने टैक्स में तो पढ़ा होगा, इनकम टैक्स में नहीं पढ़ा, इनकम टैक्स में इसके लिए अलग से प्रोविजन है। अच्छा, आई एम वेरी श्योर यू नो अबाउट द इनकम टैक्स रिबेट, जो अलग अलग इनकम टैक्स रिबेट मिलते हैं, ATC में तो पता है आपको कौन कौन से रिबेट मिलते हैं, राइट। तो इनकम टैक्स में सेक्शन 80 में जो रिबेट्स हैं, जैसे कि रिबेट कौन कौन से रिबेट्स हैं इनकम टैक्स में, अगर किसी ने इंश्योरेंस में इन्वेस्ट किया है तो उसको इनकम टैक्स में रिबेट मिलता है, उस अमाउंट पे उसको टैक्स पे नहीं करना पड़ता। मेडिकल इंश्योरेंस लिया है तो उस अमाउंट के ऊपर भी टैक्स पे नहीं करना पड़ता, होम लोन लिया है तो उस अमाउंट पे भी इनकम टैक्स पे नहीं करना पड़ता। तो वो अमाउंट कितना होता है बेसिकली, अगर मैं होम लोन को हटा दूं, आई एम नॉट इंक्लूडिंग होम लोन इन इट, अगर किसी ने इंश्योरेंस में मान लो इन्वेस्ट किया है या फिर टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है,
तो कितना एग्जेम्पशन मिलता है? 1.5 लाख रुपीज, इतना ही है, 1.5 लाख रुपए के लमसम एग्जेम्पशन मिलता है। उसके अलावा अगर कोई बोलता है कि मुझे और बेनिफिट चाहिए, मुझे और इनकम टैक्स में रिबेट चाहिए, और बेनिफिट चाहिए, तो उसको हम रिकमेंड करते हैं। मैं रिकमेंड नहीं करता, मैं तो खुद एनपीएस से पैसा डालता हूँ, तो उसको रिकमेंड कर किया जाता है, जो सीए लोग रिकमेंड करते हैं कि व्हाई डोंट यू इन्वेस्ट इन नेशनल पेंशन स्कीम, आप एनपीएस में इन्वेस्ट करो। एनपीएस में इन्वेस्ट करने के दो फायदे, कौन कौन से बेनिफिट हैं? बेनिफिट नंबर वन इज कि आपको इनकम टैक्स में रिबेट मिलेगा। कितना रिबेट मिलेगा? तो रिबेट की जब हम बात करते हैं तो हम बोलते हैं कि 50,000 रुपीज एनुअली आपको रिबेट मिलता है। कितना रिबेट मिलता है? 50,000। अगर आप एक साल में एनपीएस में 50,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट करते हो तो वो पैसा आपका इनकम टैक्स में एग्जेम्प्ट हो जाता है। तो एक तरीके से आप 2 लाख रुपये तक का टैक्स बचा सकते हो, एक्सेप्ट एक्सेप्ट हाउस लोन पे जो इंटरेस्ट आप पे कर रहे हो। हाउसिंग लोन पे जो 2 लाख रुपये का मिलता है वो अलग चीज़ है, और एनपीएस में जो 50,000 मिलता है वो उस 1.5 लाख रुपये के अलावा है। आई बात समझ में? तो एनपीएस देखो, ऐसा एक्ट में नहीं लिखा हुआ, लेकिन मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दे के बता रहा हूँ, मैं कैसे करता हूँ वो आपको बता रहा हूँ, मैं क्यों एनपीएस में इन्वेस्ट करता हूँ। तो एक रीज़न तो ये हो गया कि एनपीएस में लोग इसलिए इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि अगर आपने एनपीएस में इन्वेस्ट कर दिया तो आपको क्या है, इनकम टैक्स में बेनिफिट मिलेगा। बट एक बहुत छोटा बेनिफिट है, इट इज़ वन ऑफ द बेनिफिट, और वी कैन से इट इज़ नॉट द प्राइमरी बेनिफिट। तो सर प्राइमरी बेनिफिट क्या है एनपीएस का? इसका प्राइमरी बेनिफिट ये है कि एनपीएस के थ्रू लोग अपने रिटायरमेंट को प्लान कर सकते हैं। लोग आफ्टर रिटायरमेंट उनकी क्या लाइफ होगी ना, उसके अकॉर्डिंग उनको कितना पैसा चाहिएगा, उसके अकॉर्डिंग वो एनपीएस में पैसा आज से ही जोड़ना स्टार्ट कर सकते हैं। तो कोई भी पर्सन जो मेजर है, जो अर्न कर रहा है, चाहे वो किसी भी तरह की जॉब में है, प्राइवेट जॉब में है, गवर्नमेंट जॉब में है, अगर वो किसी बिजनेस को कर रहा है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, कोई भी इंसान, कोई भी इंडियन पर्सन जो है वो एनपीएस के थ्रू अपने रिटायरमेंट की प्लानिंग कर सकता है। समझ रहे हो बात? तो रिटायरमेंट के लिए फंड अगर जोड़ना है, आपको भी जोड़ना है, तो यू कैन इन्वेस्ट इन एनपीएस। और ये जो पैसा आप एनपीएस में इन्वेस्ट करते हो, आप मंथली इन्वेस्ट करना चाहते हो, आप मंथली इन्वेस्ट करना चाहते कर सकते हो, आप लमसम में इन्वेस्ट करना चाहते हो, आप लमसम में इन्वेस्ट करना कर सकते हो, जितनी आपकी ज़रूरत है, राइट? फॉर सपोज अगर आपको लगता है कि मुझे रिटायरमेंट के बाद हर महीने 2 लाख रुपए की जरूरत पड़ने वाली है, तो आप उसके हिसाब से अपना रिटायरमेंट प्लान करो और एनपीएस में इन्वेस्ट कर दो। और जो पैसा आप नेशनल पेंशन स्कीम में इन्वेस्ट करते हो, एनपीएस में इन्वेस्ट करते हो, ये पैसा फिर फर्दर इन्वेस्ट होता है स्टॉक मार्केट में। गेटिंग आई पॉइंट? कहाँ इन्वेस्ट हो रहा है? सो दिस फंड इज फर्दर इन्वेस्टेड इन टू स्टॉक मार्केट। और जब ये स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट होता है तो स्टॉक मार्केट में भी आप चूज कर सकते हो कि कौन से फंड मैनेजर को आपको पैसा देना है। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट होने से बेनिफिट ये होता है कि एनपीएस में जो रिटर्न्स होते हैं वो कंपेरेटिवली बेटर होते हैं। अगर मैं कंपेयर करूं जो बाकी बैंक में आपने पैसा डिपॉजिट कर दिया तो आपको 6% एनुअल रिटर्न मिलता है, 6%। लेकिन अगर आपने एनपीएस में इन्वेस्ट किया और वो पैसा बाद में मार्केट में इन्वेस्ट हो रहा है, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट हो रहा है, तो इससे जो आपको रिटर्न मिलते हैं ना, वो रिटर्न कंपेरेटिवली कहीं ज़्यादा मिलते हैं। तो तीन फायदे मैंने आपको एनपीएस के बता दिए, तीन बेनिफिट्स मैंने आपको बताए। इससे आपको समझ में आया होगा कि कितनी इंपॉर्टेंट ये चीज़ है। पहला मैंने आपको बेनिफिट बताया कि यू कैन प्लान योर रिटायरमेंट, आपको रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलती है एनपीएस के थ्रू। दूसरा बेनिफिट मैंने आपको बताया कि इसमें रिटर्न कंपेरेटिवली बेटर होते हैं बैंक के कंपैरिजन में, चाहे बैंक हो चाहे एफडी हो। और तीसरा मैंने बताया कि जो आपको इनकम टैक्स बेनिफिट मिलता है एनपीएस में इन्वेस्ट करने से, राइट? तो अभी तो गवर्नमेंट ने इस बेनिफिट को मेंटेन रखा है, इस एग्जेम्पशन को मेंटेन रखा है, आई होप आगे भी इस बेनिफिट को मेंटेन रखे। सो बेसिकली रेगुलेट करता है कौन? पीएफआरडी रेगुलेट करता है एनपीएस को। कैसे रेगुलेट करता है ये सब भी मैं आपको बता दूंगा। रेगुलेट एनपीएस जिसको सब्सक्राइब करता है कौन? एनपीएस को सब्सक्राइब कौन करता है? समझ लो सब्सक्राइबर कौन है। एक बात बताओ, जब आप ईपीएफ पढ़ते हो, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड जब आप पढ़ते हो, उसमें सब्सक्राइब कौन करता है? एम्प्लॉय सब्सक्राइब करते हैं। उसमें कंट्रीब्यूशन कौन देता है ईपीएफ में? एम्प्लॉय देता है, एम्प्लॉयर देता है। एनपीएस में ना एम्प्लॉयर का कोई रोल नहीं है, पेंशन में एम्प्लॉयर का यहां पे इस स्कीम में कोई रोल नहीं है। ये बेसिकली इंडिविजुअल्स होते हैं
और ये उनकी चॉइस होती है कि उनको रिटायरमेंट के बाद में कितनी पेंशन चाहिए, कितना पैसा वो इन्वेस्ट कर सकते हैं अपने रिटायरमेंट पे, तो इसके अकॉर्डिंग वो लोग ये डिसाइड कर सकते हैं। तो इसको सब्सक्राइब जो लोग करते हैं उनको हम तीन पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, तीन पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले देखो, फर्स्ट आ गए कौन? फर्स्ट आ गए एम्प्लॉयज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इज दैट क्लियर? सरकारी एम्प्लॉयज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एम्प्लॉयज। दूसरे, सेकेंड नंबर पे आ गए एम्प्लॉयज ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। जितने भी स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज हैं वो भी एनपीएस का बेनिफिट ले सकते हैं। तो एनपीएस में किसी तरीके की रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि कौन इसका बेनिफिट ले सकता है, कौन इसका बेनिफिट नहीं ले सकता। चाहे आप सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए जॉब कर रहे हो, चाहे आप स्टेट गवर्नमेंट के लिए जॉब कर रहे हो, उसके साथ साथ देखो, अब जितने भी देखो, ना तो मैं सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए जॉब करता हूँ ना स्टेट गवर्नमेंट के लिए जॉब करता हूँ, बट मैं एनपीएस में इन्वेस्ट करता हूँ। मेरे फ़ोन में तो इनफैक्ट एनपीएस का एक एप्लीकेशन है। हाँ, मेरे फ़ोन में इसका एप्लीकेशन है, ऐप है, और उस ऐप के थ्रू मैं इसमें पैसा इन्वेस्ट कर देता हूँ। इसमें इन्वेस्ट करने के लिए आपको आधार नंबर की ज़रूरत पड़ती है। हाँ, क्योंकि जब आप एनपीएस की वेबसाइट देखोगे, जब आप पीएफआरडीए के वेबसाइट को देखोगे, देन यू विल सी कि आपको इसमें इन्वेस्ट करने के लिए अपना आधार नंबर जो है वो रिक्वायर्ड होता है। आधार नंबर से आपकी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ लिंक हो जाती है, तो एक तरीके से फॉर्म आपका अपने आप प्रीफिल हो जाता है। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको बतानी नहीं पड़ती है एनपीएस में जब आप अपना नंबर देते हो, आधार नंबर। आधार नंबर देने के बाद जो आप इसकी वेबसाइट पर रजिस्टर कर लेते हो ना, मैं इसकी वेबसाइट भी आपको दिखा दूंगा, तो आफ्टर रजिस्टरिंग ऑन दी वेबसाइट ऑफ पीएफआरडीए, तो आपको एक नंबर मिलता है, ठीक है, उसको बोलते हैं प्रान, ठीक है। नंबर का नाम क्या है? PRAN नंबर मिलता है। उस नंबर के बारे में भी हम आगे बात करेंगे, जो बेसिकली आपका एक यूनिक नंबर होता है जिसके थ्रू आप इन्वेस्ट भी कर सकते हो और पैसा बाद में विड्रॉ भी कर सकते हो, ठीक है। नाउ ओके, सो एक आपने सुना होगा पिन नंबर, वैसे ही एनपीएस में होता है PRAN नंबर, प्रान नंबर हम उसको बोलते हैं, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। मेरा तो प्रान नंबर है, मैं एनपीएस में इन्वेस्ट करता हूँ। इन्वेस्ट करने का पर्पस रिटायरमेंट प्लान करना तो नहीं है, इतना मैं नहीं सोचता, बट हाँ, टैक्स बेनिफिट लेने के लिए मैं एनपीएस में इन्वेस्ट करना प्रेफर करता हूँ। एनीवेज, मैंने आपको बता दिया कि गवर्नमेंट अथॉरिटी को बनाया, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है पीएफआरडीए। और साथ ही साथ मैंने आपको ये बताया कि ये जो पीएफआरडीए 2013 में नहीं बनी थी, इसकी शुरुआत 2003 में हो गई थी। हाँ, 10 अक्टूबर 2003, ये डेट याद रखना, 10 अक्टूबर 2003 में ना गवर्नमेंट ने एक रेजोल्यूशन पास किया था, और राइट, गवर्नमेंट ने रेजोल्यूशन पास किया था। बेसिकली रेजोल्यूशन जो पास हुआ था, वो पास हुआ था 23 अगस्त 2003, ठीक है, 23 अगस्त 2003 को गवर्नमेंट ने एक रेजोल्यूशन पास करके इसको अप्रूव किया, और बनाया कब गया था? 10 अक्टूबर 2003। तो आप एक 10 अक्टूबर 2003 जो डेट है उसी को याद रख लो, ठीक है। जो एक्ट की डेट है वो तो आपको पता ही है, नोटिफाई कब हुआ था? ऑन 1st of Feb 2014। नाउ, तो 2003 में गवर्नमेंट ने बनाई थी इंट्रिम पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। वो इंट्रिम थी, और पता है इंट्रिम मतलब पीएफआरडीए जो नाम है उसके आगे इंट्रिम वर्ड लगाया था गवर्नमेंट ने। तो इंट्रिम क्यों लगाते हैं वर्ड? इंट्रिम वर्ड कब यूज करते हैं? जब कोई चीज फाइनल नहीं होती, व्हेन समथिंग इज नॉट फाइनल, व्हेन समथिंग इज यू नो वी कैन से टेम्पररी इन नेचर, ठीक है ना। तो इस तरीके से इसकी शुरुआत हुई थी। तो देखो यहाँ पे देखो ज़रा, मैं अगर आपको एक टाइमलाइन के थ्रू इसको बता देता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ, यहाँ पे देखो कि 2003 में, और ये देखो 2013, तो ये जो पीएफआरडीए जो हम पढ़ रहे हैं, आपकी बुक में शायद इस बारे में ना लिखा हो, इसकी हिस्ट्री गिवन ना हो, इसलिए मैं आपको इसकी हिस्ट्री बता रहा हूँ कि इसकी शुरुआत जो है वो 2003 में हो गई थी, 10th of October 2003।
राइट। और उसके बाद में 2013 में गवर्नमेंट ने इसको बना दिया PFRDA, जो कि राइट कब नोटिफाई हुई, विच वॉज नोटिफाइड ऑन 1st of Feb 2014। इज दैट क्लियर, आया समझ में? PFRDA क्या काम करेगी, इसके बारे में भी हम बात करेंगे और डिस्कशन करते हैं। तो चलिए आगे के टॉपिक को डिस्कस करते हैं। नाउ अब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा डेफिनेशंस को। तो जिन डेफिनेशंस को मैं डिस्कस करूंगा ना, दीज आर सेलेक्टेड डेफिनेशंस, जितनी भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं मैं सिर्फ उनकी बात करूंगा। बाकी डेफिनेशंस जो है वो बुक में गिवन है और ऐसा कुछ स्पेशल नहीं है डेफिनेशंस के बारे में। जब आप प्रोविजंस को पढ़ोगे ना तो अपने आप सारी डेफिनेशंस की क्लियरिटी आ जाएगी, सारी बात अपने आप समझ में आ जाएगी। तो जो डेफिनेशंस रिलेवेंट है, इंपॉर्टेंट है, मैं उन्हीं के बारे में बात कर रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन आप बाकी चाहो तो बुक में पढ़ सकते हो, ठीक है। देखो पहली डेफिनेशन जो है वो किसकी है, डेफिनेशन गिवन है यहाँ पे सेक्शन 3 में गिवन है। नाउ द फर्स्ट डेफिनेशन इज ऑफ अथॉरिटी, अथॉरिटी की डेफिनेशन है। इस एक्ट में जहां भी अथॉरिटी वर्ड का यूज होगा, जहां कहीं भी इस एक्ट में वर्ड आएगा अथॉरिटी, तो अथॉरिटी वर्ड का मीनिंग क्या होगा, अथॉरिटी वर्ड का मीनिंग होगा PFRDA, PFRDA established अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 3, ठीक है ना। सेक्शन 1 में लिखा हुआ है एप्लीकेबिलिटी के बारे में, सेक्शन 2 में डेफिनेशंस है, सेक्शन 2 में डेफिनेशंस है, एंड सेक्शन 3 जो है उसमें PFRDA के बारे में लिखा हुआ है। तो अथॉरिटी का मतलब देखो यहाँ पे क्या आया, मीन्स PFRDA पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एस्टैब्लिश्ड अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 3। नाउ अब इसके बाद में ना एक बहुत इंपॉर्टेंट इसमें में एक ऑर्गन है PFRDA का, मतलब हम इमेजिन भी नहीं कर सकते NPS को, वी कैन नॉट इवन इमेजिन अबाउट NPS अगर हम इसके बारे में बात ना करें। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है ना इसमें वो है सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी एक्सक्यूज मी। नाउ द पॉइंट इज कि जो सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी है, क्या काम है इसका, ठीक है ना। सेंट्रल जिसको हम CRA भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, CRA, इस CRA की, सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी की, मेरे पास कई बार मेल आती है। मेनली मेरे पास इसकी ईमेल तब आती है जब मैं इन्वेस्ट करता हूँ NPS में, जब भी मैंने पैसा कंट्रीब्यूट किया NPS में, उसके बाद मेरे पास एक CRA की ईमेल आती है, क्योंकि इसका काम ही क्या है, इसका नाम देखो सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी। सो बेसिकली दिस एजेंसी मेंटेन्स रिकॉर्ड, रिकॉर्ड किसका, रिकॉर्ड इस बात का कि मैंने NPS में इन्वेस्ट किया, आपने NPS में इन्वेस्ट किया, आपकी फैमिली मेंबर्स ने NPS में इन्वेस्ट किया। आई एम सॉरी, थोड़ा सा मेरा सो आपने इन्वेस्ट किया, आपके फैमिली मेंबर्स ने इन्वेस्ट किया, तो हम सबके इन्वेस्टमेंट का रिकॉर्ड कौन मेंटेन करता है, हम सबके इन्वेस्टमेंट का रिकॉर्ड मेंटेन करने का काम होता है सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी का। ये एजेंसी सारा का सारा इन्वेस्टमेंट का रिकॉर्ड मेंटेन करती है, ठीक है। अब आपने कौन सी स्कीम में इन्वेस्ट किया, इस बात का भी रिकॉर्ड जो है ये एजेंसी मेंटेन करती है। अब आप बोलोगे सर कौन सी स्कीम, इसका क्या मतलब हुआ, तो मैं आपको वो ही बताऊंगा। बेसिकली NPS में जब हम इन्वेस्ट करते हैं, हमारे पास में दो ऑप्शंस आते हैं, जो दो ऑप्शंस आते हैं ना उनको मैं नाम दे देता हूँ। अच्छा मैं बोल देता हूँ उसको, मैं बोल देता हूँ स्कीम 1 स्कीम 2 बोल देता हूँ। चलो मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, जो डिटेल मैं आपको दे रहा हूँ ये डिटेल आपकी बुक में गिवन नहीं है, कई बार बोल देता हूँ मैं आपको,
क्योंकि ये जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ ये प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन है कि किस तरीके से एनपीएस काम करता है। तो मान लो आपको दो ऑप्शन आएंगे, हमेशा दो ऑप्शन आएंगे। एक ऑप्शन होगा जिसमें कि आप पैसा डालोगे और वो पैसा टैक्स फ्री होगा, ठीक है, उस पैसे को मैनेज करने के लिए एक फंड मैनेजर होगा, जैसे कि म्यूचुअल फंड में नहीं होता। एनपीएस भी कुछ हद तक म्यूचुअल फंड वाले कॉन्सेप्ट पे ही काम करती है। आप पूछोगे कैसे सर, बताता हूं मैं। जब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो हम चूज करते हैं कि हमारा पैसा हम किस कंपनी को देंगे, कौन सी कंपनी हमारे पैसे को मैनेज करेगी और हमारे पैसे को फर्दर इन्वेस्ट करेगी। उसी तरीके से एनपीएस में अलग अलग कंपनीज होती हैं। एनपीएस में अलग अलग कंपनीज हैं, उन कंपनीज को क्या बोलते हैं वो अभी आगे बताऊंगा, अभी आपको मैं कंफ्यूज नहीं करूंगा, अभी सिर्फ आगे बताऊंगा। वो कंपनीज कौन कौन सी हैं, जैसे कि आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी, हाँ इन सब का एनपीएस के साथ में लिंक है। तो एनपीएस में बेसिकली दो तरह के फंड ऑप्शन आते हैं, दो ऑप्शन आएंगे। एक वो जो बोलेगा कि आपको टैक्स बेनिफिट चाहिए तो इस फंड में इन्वेस्ट करो, जिसको हम टाइप वन बोल सकते हैं, स्कीम वन बोल सकते हैं। और एक आता है टाइप टू, आई एम सॉरी, तो एक आता है टाइप टू। टाइप वन में हमने इन्वेस्ट किया, टैक्स बेनिफिट मिलेगा। टाइप टू में इन्वेस्ट किया, टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि टाइप टू में हमें इस बात की फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है कि हम जब चाहें तब पैसे को विड्रॉ कर सकते हैं, या उसको आप स्कीम टू बोल दीजिए, जब चाहे उसमें से हम पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन टाइप वन में जिसमें टैक्स बेनिफिट मिल रहा है, जिसमें हम हमारे पेंशन के लिए पैसा जोड़ रहे हैं ना, उसमें पैसा निकालने में कुछ रेस्ट्रिक्शंस होती हैं, उन रेस्ट्रिक्शंस की भी हम बात करेंगे। तो जो भी पैसा हम इन्वेस्ट करते हैं एनपीएस में, उसका पूरा का पूरा स्टेटमेंट या रिकॉर्ड कौन मेंटेन करता है? सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में सीआरए कहा जाता है। इज दैट क्लियर? सो मींस एन एजेंसी, मींस एन एजेंसी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 27 टू परफॉर्म, राइट, टू परफॉर्म द फंक्शंस ऑफ रिकॉर्ड कीपिंग अकाउंटिंग, ठीक है, ये देखो इसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूं ताकि आपको याद रहे कि सीआरए का क्या काम है, रिकॉर्ड कीपिंग अकाउंटिंग एडमिनिस्ट्रेशन, इज दैट क्लियर, एंड एडमिनिस्ट्रेशन आ गया, एंड कस्टमर सर्विस किसके लिए? फॉर सब्सक्राइबर्स टू स्कीम्स, इज दैट क्लियर, समझ में आ गया, फॉर सब्सक्राइबर्स टू स्कीम। तो ये हुआ सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी का काम। सो मींस एन एजेंसी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 27 टू परफॉर्म द फंक्शंस ऑफ रिकॉर्ड कीपिंग अकाउंटिंग एडमिनिस्ट्रेशन एंड कस्टमर सर्विस फॉर सब्सक्राइबर्स टू स्कीम, राइट, इज दैट क्लियर, आगे चले। अब इस काम के लिए, ठीक है, इस काम के लिए पीएफआरडीए ने किसको अपॉइंट किया? ऐसा करने के लिए पीएफआरडीए ने किसको अपॉइंट किया? तो 2003 मैंने क्यों बोला? क्योंकि 2003 में बन गई थी इंटरिम पीएफआरडीए, राइट। सो इन द ईयर 2003
पीएफआरडीए ने अपॉइंट किया था किसको? पीएफआरडीए ने अपॉइंट किया था एनएसडीएल को, नेशनल सिक्योरिटीज एंड डिपॉजिटरीज लिमिटेड। एनएसडीएल को अपॉइंट किया था किस काम के लिए? एज सेंट्रल, एज सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी, एज सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी। तो ये काम इंडिया में कौन देखता है? एनएसडीएल देखती है। पता है ना आपको एनएसडीएल के बारे में? तो एनएसडीएल की शुरुआत हो गई थी इन द ईयर 1996 जब डिपॉजिटरीज एक्ट आया था। तो अगर आपको एनपीएस में इन्वेस्ट करना हो, आपको पेन नंबर बनवाना हो, ठीक है, या राइट सब पेन नंबर बनवाना हो या फिर आपको एनपीएस में इन्वेस्ट करना हो, तो द वेबसाइट इज कॉल्ड एनएसडीएल। एनएसडीएल के थ्रू इसमें इन्वेस्ट किया जा सकता है। ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है नेट पे अवेलेबल है। एनएसडीएल के बारे में अगर नहीं पता तो वेबसाइट जरूर देखना। इंडिया में दो ही डिपॉजिटरी है, एनएसडीएल एंड सीडीएसएल, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड एंड नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड। और एनएसडीएल के बहुत सारे डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स भी हैं। तो इंडिया की जो पहली डिपॉजिटरी है वो एनएसडीएल ही है, एंड जो सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी का काम करती है वो काम भी कौन करती है? एनएसडीएल ही करती है, ठीक है। जब आप एनपीएस में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दोगे तब आपको पता लगेगा इसके बारे में, क्योंकि मैं बहुत टाइम से तो नहीं, लेकिन हाँ पिछले एक या दो सालों से मैं एनपीएस में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो मुझे इन सब के बारे में नॉलेज हो गई है। दो डेफिनेशंस हमने कवर कर ली। नाउ सेक्शन टू की अगली डेफिनेशंस देख रहे हैं। सेक्शन टू जो डेफिनेशंस का है, सेक्शन वन में एप्लीकेबिलिटी है। आगे अब बात करते हैं अगली डेफिनेशन की, और वो डेफिनेशन है किसकी? वो डेफिनेशन है चेयरपर्सन की। इज दैट क्लियर? किसकी डेफिनेशन है? नाउ दिस इज द डेफिनेशन ऑफ चेयरपर्सन विच इज गिवन अंडर सेक्शन 2C। बात करें अब चेयरपर्सन की, ठीक है सर, अब चेयरपर्सन की बात करते हैं। चेयरपर्सन कौन है? सो चेयरपर्सन मींस, चेयरपर्सन मींस द चेयरपर्सन ऑफ द अथॉरिटी। अथॉरिटी का मतलब क्या है? अथॉरिटी का मतलब है PFRDA। इज दैट क्लियर? PFRDA। वैसे तो मैं आपके साथ सारी डेफिनेशंस को डिस्कस कर लूंगा, मैं बोल देता हूं बट मुझसे रहा नहीं जाता डिस्कस किए बिना, तो सारी डेफिनेशन डिस्कस कर लूंगा, सारा प्रोविजन डिस्कस कर लूंगा। नाउ ठीक है, अब ये तो है चेयरपर्सन। चेयरपर्सन जो है वो हमने देख लिया कौन है, जो PFRDA के चेयरपर्सन होंगे। नाउ अगली डेफिनेशन जो है वो डेफिनेशन है किसकी? अगली डेफिनेशन है इंडिविजुअल पेंशन अकाउंट। पेंशन अकाउंट, मैंने इन्वेस्ट किया एनपीएस में, आपने इन्वेस्ट किया या हमारे किसी दोस्त ने इन्वेस्ट किया, जो भी इन्वेस्ट करेगा उसका एक पेंशन अकाउंट बनेगा, उसका एक पेंशन अकाउंट बनेगा। वो कितना इन्वेस्ट करेगा ये उसकी मर्जी है। एनपीएस में कितना भी पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, 500 रुपीज़ इन्वेस्टमेंट करना है ना, 500 रुपीज़ का भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। आप बोलोगे सर मुझे तो एनुअली 500 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट करना है, हाँ ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं, आप वो भी कर सकते हो। सर मुझे 5,000 का इन्वेस्टमेंट करना है, वो भी कर सकते हो। लेकिन याद रखना जितना पैसा इन्वेस्ट करोगे उसी अकॉर्डिंग पेंशन आएगी, समझ लो ना ये बात। जितना पैसा आप इन्वेस्ट करोगे उसी अकॉर्डिंग पेंशन आएगी, और कितने लंबे टेन्योर तक इन्वेस्ट करोगे और कितना ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करोगे उसी अकॉर्डिंग आपके फिर पेंशन बनेगी। रिटर्न तो ऑब्वियसली मैटर करते हैं कि उस जो पैसा आपने इन्वेस्ट किया उस पर कितना रिटर्न भी जनरेट हो रहा है। नाउ तो जब हम एनपीएस में इन्वेस्ट करते हैं तो बेसिकली हम बन जाते हैं सब्सक्राइबर। क्या बनते हैं? सब्सक्राइबर। देखो जब हम शेयर्स खरीदते हैं ना तो हम शेयर होल्डर बनते हैं, और हम बोलते हैं कि हमने कंपनी के शेयर को सब्सक्राइब कर लिया, यही बोलते हैं ना कि हमने कंपनी के शेयर को सब्सक्राइब कर लिया। जब हम डिबेंचर खरीदते हैं तो भी हम बोलते हैं कि सब्सक्राइब कर लिया। वैसे ही यहां बात कर रहे हैं मींस एन अकाउंट। देखो क्या मतलब है इसका, मींस एन अकाउंट ऑफ ए
सब्सक्राइबर, एग्जीक्यूटेड, एग्जीक्यूटेड बाय ए कॉन्ट्रैक्ट, सेटिंग आउट बाय ए कॉन्ट्रैक्ट, सेटिंग आउट द टर्म्स एंड कंडीशंस। एक मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि एनपीएस में इन्वेस्ट करना पूरी तरीके से ऑनलाइन है। किसी भी तरीके की कोई फिजिकल वर्क, फिजिकल पेपर वर्क करने की जरूरत नहीं पड़ती आपको। अगर अपना एनपीएस अकाउंट क्रिएट करना है, आप ऑनलाइन क्रिएट कर लो। हाँ, मैंने आपको बताया ना कि अपना आधार नंबर रिक्वायर्ड होता है। आधार नंबर डाल दोगे तो आपके आधार पर जो फोटो है ना, जो स्मार्ट सी फोटो है आपकी, आपके आधार कार्ड पर जो फोटो जो आप इंस्टाग्राम पर लगाते हो, हाँ वही वाली आपकी स्मार्ट सी जो फोटो है जिसमें फिल्टर लगा हुआ है, वो फोटो आपके एनपीएस अकाउंट में अपने आप रिफ्लेक्ट करने लग जाती है। ऑनलाइन पैसा इन्वेस्ट कर दो, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के थ्रू, किसी के थ्रू भी आप पैसा इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। ऐप के थ्रू भी पैसा इसमें इन्वेस्ट किया जा सकता है। सो ये इंडिविजुअल पेंशन अकाउंट किसका है? मीन्स एन अकाउंट ऑफ ए सब्सक्राइबर। जब मेरा एनपीएस में अकाउंट बन गया था तो उसके बाद मुझे नेशनल पेंशन सिस्टम में मेरा अकाउंट बनने के बाद मुझे पीएफआरडीए, रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी, ठीक है, इनकी तरफ से मुझे क्या आया, एनएसडीएल की तरफ से आया था। हाँ, एनएसडीएल की तरफ से मुझे मेरे एड्रेस पे एक एनवलप मिला। उस एनवलप में जैसे कि पैन कार्ड होता है ना, पैन कार्ड, उसी तरीके से मुझे एक कार्ड मिला जिस पे मेरा पीआरएएन नंबर था, मेरी फ़ोटो भी, मेरा नंबर भी, और मेरा अकाउंट नंबर एंड अदर डिटेल्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स वर अटैच विद इट, ठीक है ना। तो क्योंकि मैं उसका अकाउंट होल्डर बन गया। सो मीन्स एन अकाउंट ऑफ ए सब्सक्राइबर एग्जीक्यूटेड बाय ए कॉन्ट्रैक्ट, सेटिंग आउट द टर्म्स एंड कंडीशंस अंडर द नेशनल पेंशन सिस्टम, ठीक है ना इसको। हाँ, अब आप बोलोगे कि सर आपने नेशनल पेंशन स्कीम बोला, मैं कहूँगा बिल्कुल मैंने बोला, क्योंकि उसको नेशनल पेंशन स्कीम भी बोलते हैं, इसको नेशनल पेंशन सिस्टम भी बोलते हैं। दोनों ही वर्ड यूज़ किए जाते हैं। एनपीएस वैसे वर्ड तो यूज़ करते हैं नॉर्मल लोग, एनपीएस वर्ड यूज़ करते हैं। नेशनल पेंशन सिस्टम बोल दो या नेशनल पेंशन स्कीम बोल दो, क्योंकि अल्टीमेटली ये इस सिस्टम में स्कीम्स ही हैं जो हमें ऑफर की जा रही हैं, ठीक है। तो टेक्निकली आई एम नॉट रॉन्ग, मैं आपको ये क्लियर कर देता हूँ। नाउ इंडिविजुअल पेंशन अकाउंट आपको समझ में आ गया। अकाउंट ऑफ अ सब्सक्राइबर, देखो जैसे कि बैंक अकाउंट नहीं होता क्या? जैसे कि बैंक अकाउंट होता है आपका, उसमें आपकी एक पासबुक होती है, उसमें आपकी फ़ोटो होती है और आपके अकाउंट की डिटेल्स होती है, कितना पैसा आपने बैंक में रख रखा है, कितने हज़ार करोड़ आपके बैंक अकाउंट में है, वो सारी इन्फॉर्मेशन किस में होती है? सर बैंक की पासबुक में होती है, बैंक अकाउंट होता है। वैसे ही यहाँ एनपीएस में भी तो आपका एक अकाउंट ही बन रहा है जिसमें वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन गिवन होती है, क्योंकि सारा काम आपने ऑनलाइन किया। आप एनपीएस के लिए कहीं जाने की जरूरत है नहीं है आपको, ठीक है ना। आपको जाके ओपन करवाना है वो अलग एस्पेक्ट है, आपको किसी इंटरमीडिएट को अप्रोच करना है, किसी ब्रांच को अप्रोच करना है, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। बट आप अपने घर से अगर एनपीएस को क्रिएट कर दोगे तो आपके पास बाई पोस्ट सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो रिसीव हो जाएगी और मेल पर सारी अपडेट्स आती रहेंगी। नाउ ठीक है, इतना क्लियर हुआ, ये इंडिविजुअल पेंशन अकाउंट आपको क्लियर हो गया। और एनपीएस में पता है इतनी ट्रांसपेरेंसी है कि आप कभी भी देख सकते हो कि जो मैंने इन्वेस्टमेंट किया उस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी है। जैसे कि हम म्यूचुअल फंड में भी ये चीज़ चेक कर सकते हैं। आई होप आपको ये सब चीज़ें पता है। अगर नहीं पता तो भी कोई बात नहीं, मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगा। म्यूचुअल फंड में भी एक खास बात ये होती है कि जितना भी पैसा आपने इन्वेस्ट किया है उस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या है, ये आप ऑनलाइन चेक कर सकते हो। जैसे कि 10 साल पहले फॉर एग्जांपल मैंने किसी म्यूचुअल फंड में 10,000 रुपये इन्वेस्ट किया था और आज उसकी क्या वैल्यू है, ये मैं ऑनलाइन जाकर किसी भी दिन चेक कर सकता हूँ। उसी तरीके से एनपीएस में नेशनल पेंशन स्कीम / सिस्टम, ठीक है। तो एनपीएस की भी खास बात यह है कि इसमें भी आप ये चीज़ चेक कर सकते हो कि जितना पैसा मैंने इन्वेस्टमेंट किया उस इन्वेस्टमेंट की कितनी वैल्यू है।
कई ऐसे ना एडवाइजर्स होते हैं, फाइनेंशियल एडवाइजर्स होते हैं, जो कि आप पेपर में पढ़ना, और कई बार पेपर में एक सेक्शन आता है फाइनेंशियल एडवाइस का, उसमें लोग उनसे पूछते हैं कि मैं चाहता हूँ कि मैं जब रिटायरमेंट हूँ तो मेरे को इतनी पेंशन मिले, क्योंकि मैं किसी गवर्नमेंट जॉब में तो हूँ नहीं, मेरा तो खुद का बिजनेस है, तो मैं कैसे कर सकता हूँ। तो एडवाइस करते हैं कि ठीक है, आप एक काम करो, वो एक पर्टिकुलर अमाउंट कैलकुलेट करके बता देते हैं कि इतना अमाउंट आप एनपीएस में इन्वेस्ट कर दो हर महीने, या साल में इतना पैसा इन्वेस्ट कर दो, टैक्स बेनिफिट तो सिर्फ 50,000 पे ही मिलेगा, जो बाकी पैसा आप इन्वेस्ट करोगे उसमें आपको टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा। एनपीएस में आपने 10 लाख रुपए भी इन्वेस्ट किया है तो भी टैक्स बेनिफिट जो आपको मिलेगा, जो कि फंड वन होता है या स्कीम वन होती है, उसमें पैसा इन्वेस्ट किया है आपने, तो भी 50,000 का, 50,000 का ही टैक्स बेनिफिट मिलेगा। लेकिन इसमें खास बात यह है कि आप चेक कर सकते हो, क्योंकि आपका पैसा मार्केट में इन्वेस्ट होता है, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट होता है, डेब्ट इक्विटी अलग अलग फंड्स में इन्वेस्ट होता है, सो यू कैन चेक कि मेरे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी है। आगे मेरी बात समझ में, बार बार रिपीट करता हूँ मैं बहुत बार, ताकि आपके कॉन्सेप्ट जो है ना वो पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। ठीक है, एक तो रिपीट करने का फायदा ये है कि आप भूलोगे नहीं। तो इंटरमीडिएट की डेफिनेशन किसमें गिवन है? इट इज गिवन अंडर सेक्शन 2, सबसेक्शन एफ, इंक्लूड्स पेंशन फंड। अब ये पेंशन फंड क्या होते हैं, अभी सारे बता दूंगा मैं आपको विथ एग्जाम्पल। देन सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी, इज दैट क्लियर? इसके बारे में हमने बात कर ली थी, एनएसडीएल के बारे में हमने बात की थी। उसके बाद में आ गया नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट, एनपीएस का एक ट्रस्ट है, वो भी इंटरमीडिएट की डेफिनेशन में आता है। उसके बाद में आ गए पेंशन फंड एडवाइजर्स, पेंशन फंड के एडवाइजर्स, नेशनल पेंशन सिस्टम, और उसके साथ में आ गए रिटायरमेंट एडवाइजर्स, रिटायरमेंट एडवाइजर्स। बेसिकली इन लोगों के थ्रू ना कहीं पैसा जो है वो एनपीएस में पैसा पहुंच रहा है, नेशनल पेंशन सिस्टम। ठीक है, नेशनल पेंशन सिस्टम बोल देता हूँ। रिटायरमेंट एडवाइजर, पॉइंट ऑफ प्रेजेंस। अभी ये जो पीओपी है ना, पीओपी, इसका भी आपको एग्जांपल दूंगा, थोड़ी देर वेट करो बस, मैं चाह रहा हूँ कि जब टॉपिक आए तभी मैं उसका एग्जांपल दूँ। रिटायरमेंट एडवाइजर आ गया, पॉइंट ऑफ प्रेजेंस आ गया, एंड ये सब लोग पीएफआरडीए से अलग है, पेंशन फंड सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी जो कि एनएसडीएल जो काम करती है, देन नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट, पेंशन फंड के जो एडवाइजर्स हैं, रिटायरमेंट एडवाइजर्स जो होते हैं, एंड पॉइंट ऑफ प्रेजेंस एंड सच अदर पर्सन्स, अदर पर्सन और एंटिटी कनेक्टेड विथ कलेक्शन, कलेक्शन से मतलब जो सब्सक्राइबर्स का पैसा है उसका कलेक्शन, फिर उस पैसे का कलेक्शन कर रही हो चाहे उसका मैनेजमेंट कर रही हो, फिर रिकॉर्ड कीपिंग कौन करता है? एनएसडीएल करती है, तो ये मैंने लिख दिया रिकॉर्ड कीपिंग, एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्यूमुलेशंस। तो जितने भी लोग इस सारे प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं। अब आपने एक बात देखी होगी कि एनपीएस में जब इतना पैसा आता है, इंडिया में करोड़ों सब्सक्राइबर्स हैं, एक रिपोर्ट थी उसके अकॉर्डिंग इंडिया में शायद 2 करोड़ एनपीएस के सब्सक्राइबर्स हैं, 2 करोड़ लोगों ने पैसा एनपीएस को दिया है, नेशनल पेंशन सिस्टम में अपना पैसा लगाया है। तो देखो, उस पैसे का रिकॉर्ड मेंटेन करने वाली आपको एजेंसी चाहिए, लोगों तक इस स्कीम को पहुंचाने वाले लोग चाहिए जो कि होते हैं एडवाइजर्स, प्लस आपको ऐसे लोग चाहिए, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन चाहिए जो उस पैसे को इन्वेस्ट कर सके फर्दर मार्केट में, उस पैसे का मिसयूज ना हो इसके लिए आपको ट्रस्ट चाहिए।
तो ये सब है ना इस सिस्टम का, एनपीएस का पार्ट है जो बैकएंड पे काम कर रही है, समझ रहे हो, जो बैकएंड पे काम कर रही है, जो ऑपरेशंस को मैनेज कर रही है पूरा का पूरा, कस्टमर सब्सक्राइबर्स को लेकर आना, सब्सक्राइबर्स को इस चीज के लिए प्रमोट करना कि आप एनपीएस में इन्वेस्ट करो, एनपीएस के बेनिफिट्स देना। तो इसमें बहुत सारी फाइनेंशियल्स एंड नॉन फाइनेंशियल डीलिंग्स होती हैं और उसके लिए हमें इन इंटरमीडियरीज की जरूरत पड़ती है। आ गई मेरी बात समझ में, क्लियर हुआ इतना कॉन्सेप्ट? ठीक है, तो हमने इंटरमीडियरी की डेफिनेशन को डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो मेंबर की डेफिनेशन है और इसके अलावा कुछ और भी टॉपिक्स हैं, लेकिन उन टॉपिक्स को मैं एक छोटे से ब्रेक के बाद डिस्कस करता हूँ आपके साथ। ठीक है, तो यहाँ हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। एनपीएस का इंट्रोडक्शन में डिस्कस कर लिया, डेफिनेशंस का कुछ पार्ट हमने कर लिया है, अगला पार्ट जो है वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ कंटिन्यू करता हूँ। थैंक यू सो मच।